फ्रेंड्स वेलकम बैक टू डे स्पेशल रचना। तो आज हम बनाएंगे फटाफट बनने वाला खीरे का रायता, जो कि बनाना बहुत ही आसान। तो इसके लिए ये मैंने खीरे लिए हैं, ये मैं इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा कट करने के बाद इसमें से चाकू से कट लगा देंगे और इसे रफ़ कर लेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो भी कड़वा आसानी से निकल जाए। वैसे तो खीरे मीठे आते हैं, लेकिन कभी कभी खीरे कड़वे भी रहते हैं, जिसको आप चेक कर सकते हैं कि वो कड़ा है या मीठा है। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसका जो अंदर का जो भी कड़वाहट है वो निकल चुकी है। फिर हम इसको कट कर देंगे और फिर जो खीरे हैं इनको अच्छे से छील लेंगे। देखिए आप, और ये रायता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है और फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। और गर्मियों में तो रायता ज़रूरी रहता है। अब ये मैंने दो खीरे छील लिए हैं, दो रखे हैं, क्योंकि इनकी मुझे सब्ज़ी बनानी है। मेरे हस्बैंड को खीरे की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो दो का हम रायता बना रहे हैं और दो की सब्ज़ी। अब इसको हम अच्छे से देखिए इस तरह कद्दूकस कर लेंगे, और बीच हमें कद्दूकस नहीं करने हैं। जो आसपास का जो पार्ट है हम बस वो ही कद्दूकस करेंगे, क्योंकि बीज रायते में अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप बीज भी कर सकते हैं, बाकी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये बीज नहीं ले रही हूँ। अब हम आसपास का सारा जो पार्ट है इसको अच्छे से मैंने देखिए कद्दूकस कर लिया है। और रायता तो हमारे खाने को भी डाइजेस्ट करता है, तो वैसे ही पसंद होता ही है सभी को, और बच्चे भी इस रायते को बड़े चाव से खाएंगे, तो आप ज़रूर ट्राई करना। अभी मैंने 20 सब अलग कर दिए हैं और ये खीरा मेरा कद्दूकस हो चुका है। फिर हम लेंगे दही, तो ये मैंने दही लिया है, और दही ज़्यादा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। ये होममेड दही है। अगर आप दही जमाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। अब फिर हम इसमें जो सूखे मसाले हैं वो हैं चाट मसाला, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड जीरा और धनिया पत्ती। हम इन सबको इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, बट आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और नमक मिर्च की क्वांटिटी आप आपके टेस्ट अकॉर्डिंग रखें। अगर आप चटपटा पसंद करते हैं तो मिर्च ज़्यादा ले सकते हैं। फिर हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर सबको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये अच्छा ठंडा हो जाएगा। और खीरा भी डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। और फिर हमारा ये इंस्टेंट वाला खीरे का रायता तैयार है। खाइए, खिलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।